Hey guys, welcome back to my channel Delicious Sizzling। आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र का फेमस कंदा पोहा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। ये महाराष्ट्र के स्ट्रीट फूड पे बनाया जाता है। मैं एक साउथ इंडियन हूँ, फिर भी आई लव टू ईट पोहा। इसे मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ, लंच या फिर डिनर में भी। इतना टेस्टी होता है एंड इसे बनाना भी काफ़ी ईजी है। इसे बनाते कैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, सो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट्स बिगिन द रेसिपी। कंदा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पोहा चाहिए। यहाँ पे मैं 2 कप्स ऑफ पोहा ले रही हूँ। देखिए हमें इस टाइप का पोहा चाहिए। जैसे कि पोहा में 2 टाइप्स होते हैं, एक थिक एंड थिन। हमें बिल्कुल थिन टाइप वाला पोहा चाहिए। देखिए इस तरह का पोहा चाहिए। अब हम इसे वॉश करना है। हमें पोहा को बिल्कुल भी सोख करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट होता है। जैसे ही हम पानी में डाल देंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसे सोख करके रखेंगे तो एकदम सॉफ्ट बन जाएगा पोहा। सो हमें इसे बिल्कुल भी सोख नहीं करना चाहिए, बस वॉश करके इसे स्क्वीज़ करके इसका पानी जो भी है वो निकाल देना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर स्क्वीज़ करके एक बाउल में ले लिया है। इसी तरह से करना चाहिए। तो अब हम कुकिंग प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ऑयल पैन, इसमें डाल रही हूँ ऑयल। वैसे तो ये हेल्दी रेसिपी है, इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालेगा, बस 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाला है मैंने। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे पीनट्स, बस थोड़े से पीनट्स। नेक्स्ट इसमें मैंने डाल दिया है राई एंड ज़ीरा 1-1 टेबल स्पून। इसका कलर हल्का सा चेंज होने तक हम इसे सॉटे कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए हम इसमें डाल देंगे ऑनियंस एंड ग्रीन चिलीज। 1 मीडियम साइज़ ऑनियंस एंड 3 to 4 ग्रीन चिलीज ऐड किया है मैंने। आपकी मर्ज़ी, आप स्पाइसी और भी खाना चाह रहे तो आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ग्रीन चिलीज़ का क्वान्टिटी। नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे करी लीव्स। ऑनियंस का कलर हल्का सा पिंकिश होने के बाद मैंने इसमें करी लीव्स ऐड किया है। करी लीव्स थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1/2 टेबल स्पून ऑफ हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर डालने के बाद आपको अच्छे से इसे फ्राई करना होगा, वरना पोहा में हल्दी की रॉ फ्लेवर रह जाएगी। सो एक 1 मिनट तक हम इसे लगातार फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर रखे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ वॉश किया हुआ पोहा। देखिए कितने खिले खिले लग रहे हैं। अगर आप इसको सोक करके रख देंगे तो ये एकदम ही चिपचिपाहट हो जाएंगे पोहा। सो नेक्स्ट इसमें हम डाल देंगे नमक। पोहा डालने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है नमक, आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑफ नमक ऐड किया है। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून की मदद से हल्के से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि पोहा टूटने के चांसेस भी है। सो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स हो चुका है, हम इसके ऊपर से लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी लेमन डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 लेमन जूस स्क्वीज़ कर रही हूँ। लेमन जूस स्क्वीज़ करना है, इसकी सीड्स निकाल के डालिएगा वरना ये कड़वा रह जाएगा पोहा। सो लेमन जूस स्क्वीज़ करने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के पकाएंगे। आप चाहे तो इसी स्टेज पे कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। आफ्टर 1 मिनट के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद एक प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ पोहा को। देखिए कितना खिला खिला बन चुका है पोहा, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं पोहा को ये। सो इसे मैंने डाल दिया है। ऊपर से हरा धनिया डाल रही हूँ, ये डालना मस्ट है, हरा धनिया से ही टेस्ट आएगा पोहा में। सो हरा धनिया डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से गार्निश कर लिया है। देखिए हमारा हेल्दी पोहा तो बिल्कुल तैयार है। आप इसे झटपट से 5 मिनट के अंदर तक इस मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी को बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ही क्या, आप लंच में डिनर में भी खा सकते हैं, इतना टेस्टी होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप अगर वेट लॉस जर्नी में हैं तो भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you for watching.